मानने वाला रिक्वेस्ट है सर, हमको बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स से। मैं जब बच्चा था बाबा साहब अम्बेडकर का नाम कहीं नहीं आता था, किताबों के अंदर छोटा छोटा लिखते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर नेता थे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा इनको मजा चखाया पावर वालों को कि आज बाबा साहब का नाम लोगे तो वोट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे वोट कटेंगे। जब तक नेताजी के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे वोट नहीं कटेंगे। मैं बिल्कुल मैं पॉलिटिकल साइड से सुनूंगी और मैं मीडिया में रह सकता हूँ। सीधी सी बात है, जो आदमी ए पी जे काम करेगा उसको वोट दो किसी पार्टी को, जो नहीं करेगा उसके वोट काटो। जिस दिन नेताओं की ये बात पहुँच गई, सारी इन्फॉर्मेशन में आपको कोई सहाई होस्ट जाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको अमरीका जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास में सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। आप उनको जिस दिन ये लगेगा कि ये निकालेंगे तो वोट मिलेंगे तो करेंगे, अभी उनको ये नजर नहीं आ रहा कि वोट नहीं मिलेंगे। मुझसे पूछे ना लोगों ने, क्या हम भाई निकाल देंगे तो वोट मैंने कदम डाले, मैंने कहा सारी वोट मिलेगा सुभाष बोस के नाम आपके पास। तो जब तक वोट नहीं मिलेगा सुभाष चंद्र बोस, आई एम सॉरी, मैं स्टूडेंट टू पॉलिटिकल साइंस का, मैं मीडिया में रह चुका हूँ, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, जब तक पॉलिटिसाइज नहीं करोगे इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। तो नेताजी के नाम पर वोट दबाओ लोगों को, नेता अपने आप आएंगे अपने आप काम करेंगे। तो इसी और ये कि मुद्दा सिर्फ इनके मरने का नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, मुद्दा उनकी पूरी जीवन का है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। और इस बात का रियलाइजेशन भारत में बहुत लोगों को है, यही है कि हम लोग तो बड़े हैं, आप तो कुछ कलकत्ता में है, कोई अमरीका में, कोई कहाँ, तो हम लोग सोशल मीडिया के बहाने या फिर इससे इवन हम जब कर रहे हैं, आज जो उन देश है गवर्नमेंट ने करी है, हम लोग मिलकर रैलियाँ कर रहे हैं। और जहाँ पे कलकत्ता में और बंगाल में एक संगठन बनाना बहुत जरूरी है, तो ये जो मेरे दोस्तों ने यूनियन कराई है, संगठन बनाया है, इसका पक्का हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम हो रही है कि नेताजी का पूरा नाम क्या है, वो नेताजी जिस भी उन्होंने खा रखा है, और आपको पता ही है कि उसमें भी कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अपने आपको नेताजी का फॉलोअर बताते हैं लेकिन सपोर्ट करते हैं ये लोग नेहरू पार्टी को। तो उस चक्कर में बहुत नुकसान हमको हुआ है, आपका मीडिया जो मेन मीडिया है वो उसके खिलाफ में है सुभाष बोस के, आपका जो नेताजी के नाम पे दुकान चला रहा है वो उसके खिलाफ में है, तो रह गए हम सब लोग। लेकिन अगर हम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे और हम लोग अपने आप को लोगों को दिखाएंगे कि नेताजी को सपोर्ट करने वाले में और वोट मिल सकते काफ़ी हैं, और वोट तो हम लोगों को नहीं दे रहे हैं, तो इनको वैसे समझ में आ जाए। तो ये है कि इसको इस पूरे रैली को इस मुद्दे को सिर्फ उनकी मौत के तौर पर ना देखा जाए, ये है कि जो नेताजी ने देश के लिए किया था उसके सभी कॉन्फिडेंस।